मैं लीजा खान स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे 5 जीके के सवाल पूछने वाली हूँ। देखना आप में से कितने लोग इन सवालों का जवाब मुझसे पहले देकर दिखाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है 14 सितंबर 1949 को। तो दोस्तों, आज का जो हमारा दूसरा सवाल है वो ये है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों, उस पशु का नाम है बाघ। जी हाँ दोस्तों, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा तीसरा सवाल है वो ये है कि भारत में सर्वाधिक दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है बांग्ला। जी हाँ दोस्तों, बांग्ला भाषा भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चौथा सवाल है वो ये है कि भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है चेन्नई। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई में भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पांचवा सवाल है वो ये है कि किस राज्य को भारत का तलवार कहा जाता है। तो दोस्तों, उस राज्य का नाम है पंजाब। जी हाँ दोस्तों, पंजाब को भारत का तलवार भी कहा जाता है क्योंकि ये अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब ने देश की रक्षा के लिए कई विदेशी युद्ध लड़े हैं और बहुत सारे बलिदान भी दिए हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही सवालों को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब तक के लिए गुड बाय।